नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कटिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जुगाड़ गाड़ी पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अस्पताल में डेड बॉडी देखकर एक महिला को हार्ट अटैक आ गया और उसकी भी मौत हो गई। ये घटना बलरामपुर थाना क्षेत्र के शादीपुर के पास की है। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर जिला प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद जुगाड़ गाड़ी चल रही है। घटना के बारे में ये कहा जा रहा है कि बलरामपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर के पास दूसरी दिशा से आ रहे ऑटो को क्रॉस करने के दौरान जुगाड़ गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ये दर्दनाक हादसा हो गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा जुड़ चुके हैं। सुब्रत, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? ऐसे जुगाड़ गाड़ियां तो और भी चल रही होंगी, हादसे से पहले प्रशासन की नजर क्या इन पर नहीं पड़ती? देखिए, निश्चित तौर पर कटिहार ही नहीं, सीमांचल का जो ये इलाका है, जो बंगाल से सटा हुआ इलाका है, इसमें आज भी बड़े पैमाने पर बेरोकटोक ये जुगाड़ गाड़ी चल रहा है। और जब भी प्रशासन इसे रोकने की कवायद करते हैं तो जो राजनीतिक दबाव है ये कहीं ना कहीं हावी हो जाता है। और अब जब जान 4 लोगों की चली गई है, 3 लोगों के हादसे में और 1 हार्ट अटैक में जो जान चला गया, तब राजनीतिक स्तर पर भी ये आवाज उठना शुरू हो गया है कि आखिर जुगाड़ गाड़ी चल कैसे रहा है। ये निश्चित तौर पर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी दोहरा मापदंड है और इस पर लेकिन प्रशासन को ही जवाब देना पड़ेगा। और अगर इस तरह की जुगाड़ गाड़ी चलते रहे तो और भी आए दिन हादसा इस इलाके से सामने आ सकता है। सुब्रत, जिन लोगों की मौत हुई है क्या वो सभी स्थानीय लोग हैं? जी, ये काफी रिमोट इलाका है और बंगाल से सटा हुआ थाना क्षेत्र है बलरामपुर कटिहार का। सभी स्थानीय लोग हैं और धान बेचकर लौट रहे थे, इस तरह की बातें आई है और गाड़ी पलट गई है अचानक, जिससे ये 3 लोगों की मौत जब अस्पताल लाया गया है तब हुई है। और जब एक महिला जब ये तीनों डेड बॉडी देखने के लिए आए तो उनका भी हार्ट अटैक से मौत की खबर फिलहाल सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत गुहा इस तमाम जानकारी के लिए। तो बलरामपुर के शाहीपुर की घटना, जहां पर जुगाड़ गाड़ी की वजह से देखिए 3 लोगों की जान चली गई, हादसे का शिकार ये जुगाड़ गाड़ी और इसमें जख्मी लोगों का इलाज भी जारी है। पूर्णिया के डगरुआ में नदी के धार में 3 बच्चे डूब गए, जिसमें से 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि 1 बच्चे को ग्रामीणों ने बचा लिया। तीनों बच्चे ममेरे फुफेरे भाई बहन थे। परिवार का कहना है कि तीनों नदी के किनारे खेल रहे थे और तभी खेलते खेलते गहरे पानी में चले गए। इस घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गाँव में मातम पसरा हुआ है। कौन कितने 3 कितने लोग डूबे थे? 3 बच्चा था, एक मेरा लड़का, एक लड़की, एक भांजा था। तो तीनों की मौत हुई, 2 की? एक मेरा बेटा बच गया, लड़का बेटा बच गया, बेटा बच गया, बेटी भांजा खत्म हो गया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या के मामले को लेकर देश भर में डॉक्टरों के अंदर नाराजगी दिख रही है। घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों की आज देशव्यापी हड़ताल भी है। बात पटना की अगर करें तो नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यानी कि NMCH में जूनियर डॉक्टरों ने रजिस्ट्रेशन काउंटर को ही बंद करा दिया और OPD सेवा को ठप कर दिया गया। नाराज जूनियर डॉक्टर इमरजेंसी के सामने विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इस एक दिन के हड़ताल में हालांकि अस्पताल में इमरजेंसी सेवा चालू रहा। डॉक्टरों के हड़ताल से मरीजों को हालांकि परेशानी उठानी पड़ रही है। Thank you.
के पीजी छात्र छात्राएं जेडीए एनएमसीएच के तहत आज जितनी भी इलेक्टिव सर्विसेज हैं ओपीडी वार्ड और ओटी सबको हॉल्ट किए हैं। ये हमारा एक सपोर्ट है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक हमारे यंग डॉक्टर के साथ जो बर्बरता हुआ है उसके रिगार्डिंग ये सपोर्ट है। साथ ही साथ हम समाज एवं सरकार को दोनों को जागरूक करना चाहते हैं कि डॉक्टरों का सुरक्षा कितना अहम है। इलाज कराने आए थे एनएमसीएच में लेकिन आज हड़ताल है, कोई अटेंड नहीं कर रहे हैं, आज कोई डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं कोई क्या होगा नहीं होगा कब आना है। कितनी दिक्कत हो रही है आपको? बहुत परेशानी हो रहा है, बहुत दूर दूर से आते हैं मरीज लोग। तो शिवहर में तरियानी ब्लॉक ऑफिस में तैनात एक कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आ रहा है। न्यूज 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जमीन का दाखिल खारिज कराने के नाम पर यह रिश्वत ली जा रही थी। आरोपी कर्मचारी का नाम सुशील कुमार शर्मा बताया जा रहा है और वायरल वीडियो के सामने आने के बाद डीएम ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। अररिया में जमीन विवाद में गोलीबारी और लूटपाट की घटना हुई। अररिया के भरगामा प्रखंड में पोठिया के वार्ड संख्या 2 की ये घटना है जहां ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि शिवनंदन यादव के बेटे परमानंद यादव की हत्या की गई है। बचाने पहुंची उनकी भाभी लीला देवी को भी इस दौरान गोली लग गई जिससे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। लोगों का कहना है कि घर में सोए हुई अवस्था में 50 से 60 लोग घुसते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी गई। परमानंद यादव की 5 गोली लगने से मौत हो जाती है। घर वालों ने कहा कि 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन को लेकर भैयालाल यादव उर्फ भूपेंद्र यादव से विवाद पहले से चल रहा था और इसी को लेकर हत्या और लूटपाट करने के बाद सामने आई। जेवर ले गया है, रुपया पैसा था, कागज था, कपड़ा लता था, सब ले गया है। कुछ छोड़ा ही नहीं है घर में। प्रशासन को सूचना दिए थे? प्रशासन को सूचना दिए हैं। डेड बॉडी ले गया प्रशासन? हाँ, उसके साथ में गए थे। एक आदमी को गोली भी लगा हाथ में? दो आदमी, एक तो मरिए गया, एक तो का हाथ में लगा है, वो जो है अभी अररिया महिला था, महिला को। हाँ, महिला को। हाँ, महिला। महिला कौन थी? हमारा भाभी थी। क्या नाम था उसका? लीला देवी। रात में कितना फायरिंग हुआ होगा? फायरिंग लगभग 50+ हुआ है। 50+ फायरिंग हुआ है। इसमें मौत कितना आदमी का हुआ? मौत एक आदमी का, मेरा चाचा का मौत हुआ है। क्या नाम था आपके चाचा? परमानंद यादव। हाँ। और जो है मेरी बड़ी मम्मी का गोली लगा हुआ जो कि अभी पूर्णिया में भर्ती है। धनारामा थाना अंतर्गत पोठिया नामक एक गाँव है जिसमें रात में भूमि विवाद को लेकर गोलीबारी हुई जिसमें परमानंद यादव नाम के एक व्यक्ति है गोली लगी और वो हॉस्पिटल उनको ले जाया गया, वहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया और एक महिला है वो जख्मी है। इसमें हम लोग जो पीओ था उसमें एफएसएल की टीम भी गई थी, साक्ष्यों को संरक्षित किया गया है और इसमें एक स्पेशल टीम बनाई गई है फारबिसगंज एसडीपीओ के अंतर्गत और हम लोग इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। समस्तीपुर के सरकारी विद्यालय में गुरुजी के पढ़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। शिक्षक बैद्यनाथ रजक बच्चों को अनोखे तरीके से पढ़ाते हैं जिसमें गुरुजी क्लास में कवि सम्मेलन कर बच्चों को बिहार के दर्शनीय स्थलों की जानकारी देते हैं। वे गोलघर, तारामंडल, बिहार में शांति स्तूप, बोधगया, पुनौरा धाम का भी जिक्र करते हैं। बता दें कि ये वही बैद्यनाथ रजक हैं जो गीत गाकर और खेल खेल में पढ़ाने के लिए काफी चर्चित भी हैं। इसके पहले भी इन्होंने आपदा से बचाओ, खेल खेल में हिंदी से अंग्रेजी सिखाने, चमकी को धमकी देने और लू से बचाव के लिए किए गए प्रयासों के कारण काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं। कहाँ कहाँ घूमना है? गोल घर, तारा मंडल, बगल में चिड़िया खाना, बिहार म्यूजियम देखेंगे, राजगीर होंगे रवाना, राजगीर पढ़ाते हैं, खिलाते भी हैं, इसलिए हम सबको पढ़ने में मन लगता है। कक्षा में कवि सम्मेलन, इसकी सहायता से मैंने बच्चों में कविता कहने के कौशल का विकास करने एवं
बिहार के दर्शनीय स्थलों को बताने की कोशिश की है। चूंकि गीत या कविता बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और उनमें आए शब्द उन्हें लंबे समय तक याद भी रहते हैं। वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए बिल का विरोध हो रहा है। इस बिल को जेपीसी में भेजा गया है। अब इस बिल के समर्थन को लेकर जेडीयू में भी हलचल तेज नजर आती है। जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर, उनकी तरफ से एक यात्रा निकलने वाली है कि यात्रा पर वो निकलेंगे और यात्रा पर निकलने से पहले उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की। सीएम नीतीश और वक्फ बोर्ड को लेकर एमएलसी खालिद अनवर की क्या है राय, उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। वक्फ बोर्ड को लेकर केंद्र सरकार ने जो बिल लाया और उसके बाद जो सियासत तेजी से उभरी, उसके बाद राजनीतिक हलचल भी बेहद तेज हो गई है। बिहार के सियासत में काफ़ी हलचल देखी जा रही है, लेकिन इसी बीच में जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर एक यात्रा पे निकलने वाले हैं और यात्रा का मकसद क्या है ये जानते खालिद जी से। खालिद जी, एक यात्रा पे आप निकल रहे हैं और खासकर वक्फ बोर्ड को लेकर जो भी देश की सियासत गर्म है, क्या कहेंगे सर? देखिए, वक्फ बोर्ड या वक्फ बिल जो आया 2024, वो उस बिल पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑब्जेक्शन है कि भाई ये सही नहीं है हमारा बिल। और हमारे नेता और जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने साफ साफ, उनका क्लियर स्टैंड रहा है कि कोई भी बिल जब तक स्टेक होल्डर से बात न की जाए, उनको मुतमईन नहीं किया जाए, उसको आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ तक कि वक्फ डेवलपमेंट के लिए जो काम किया, हर ज़िले में मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग और वक्फ की ज़मीनों पर स्कूल और कब्रिस्तानों की घेराबंदी किसी स्टेट ने नहीं किया जो नीतीश कुमार जी ने किया है। तो ये ज़बानी दावा करने वाले लोग वक्फ के लिए जो आपके साथ खड़े हैं, ये फर्जी लोग हैं, इनसे होशियार रहने की ज़रूरत है। हम आपके साथ हैं, नीतीश कुमार आपके साथ है, जनता दल यूनाइटेड आपके साथ है और हम कोई कदम ऐसा कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे या बढ़ाने नहीं देंगे जो किसी भी वर्ग के खिलाफ। तो ये था हमारा जेडीयू केएमएलसी खालिद अनवर, आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। खबर जहानाबाद से, जहां मखदूमपुर के वाणावर पहाड़ स्थित सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में बड़ा हादसा हुआ। तीर्थस्थल में भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जहानाबाद डीएम ने मौत की पुष्टि भी की है। मरने वालों में 5 महिला और 2 पुरुष श्रद्धालु शामिल हैं। बताया जा रहा है कि देर रात की ये घटना है, जब रात 12 से 1 बजे के करीब पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान श्रद्धालुओं के बीच सीढ़ी पर ही भगदड़ मच गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया। जान बचाने की कोशिश में श्रद्धालु इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान कई श्रद्धालु नीचे गिरे। भीड़ में दबने की वजह से श्रद्धालुओं की मौत की खबर हुई। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो इस हादसे में घायल हुए, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी। बिहार सरकार के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि बिहार में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। पूर्णिया में मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि पुलिस क्षेत्र से लेकर कई योजनाओं के तहत महिलाओं का उत्थान हुआ है। जो भी अवसर महिलाओं को दिया जा रहा है, उसमें महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर, हमारी बेटियां आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। तो हमारी सरकार की बहुत बड़ी पहल है कि महिलाओं को आगे कर रहे हैं हर स्तर पर। नौकरियों में 35% आरक्षण हमारी सरकार दी है। इससे काफ़ी महिलाएं घर से निकलकर हर दायित्व का, हर विभाग में जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। और अब बात गोपालगंज की, जहां पर एक अनोखी शादी हुई। जी हां, यहां मामी और भांजी ने प्यार किया और अब एक दूसरे के साथ शादी भी रचा ली है। तस्वीर देखिए, मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासामुसा दुर्गा मंदिर की है। मामी और भांजी के इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। वहीं ये शादी इलाके के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। बताया जा रहा है कि गोपालगंज के गांव की रहने वाली शोभा कुमारी और उनकी भांजी सुमन कुमारी दोनों 3 साल से एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे। प्यार में पागल मामी और भांजी ने शादी करने का फैसला किया और घर से भागकर सासामुसा स्थित दुर्गा मंदिर में शादी रचा ली। मामी और भांजी ने एक दूसरे को माला पहनाई और फिर 7 फेरे लेने के बाद एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई गई। क्या करने के? शादी करने के लिए। किससे शादी हो रही? ओ, भगनी से। आपकी भगनी से शादी हो रही? जी। ये प्यार कहाँ से परवान पे चढ़ा? मैं 3 साल प्यार करती हूँ इससे।
और इससे कोई परिजनों को आपत्ति नहीं है? नहीं, कोई से मतलब नहीं। आप लोग घर छोड़ के शादी कर जी कहाँ रहिएगा? आप लोग कहाँ रहेंगे? आप लोग अब शादी कर लिया था, अब इसको बीमारी मारे हैं लोग, कहाँ रखना है, कहीं नहीं रखना है। आप लोग कसम खा लिया है? जी खा लिया। 3 साल से हम इनसे प्यार करते हैं, ठीक है, इसलिए हम शादी कर रहे हैं इनसे, और ये भी प्यार करते हैं मुझसे। ये मेरी मामी रिश्ता में लगती है, यानी कि मामी और भांजी में शादी? हाँ। कितने दिनों से प्यार कर रहा? 3 साल से प्यार कर रहे हैं। और इसमें परिजनों को कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, हम लोग खुद भाग के किए हैं, आपत्ति हो या कुछ भी हो मुझे वो नहीं पता है, बस मैं इनसे प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे प्यार करते हैं। पटना में नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और पटना सिटी के आलमगंज में नगर निगम प्रशासन ने अतिक्रमण हटवाया भी। यहां इमली गोलंबर से लेकर गाय घाट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान देखिए कैसे चलाया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन की टीम ने अवैध रूप से बनाई गई झोपड़ियों को तोड़ दिया, सड़क के किनारे दुकानों को भी हटाया गया। 15 अगस्त तक ये अभियान यूं ही जारी रहेगा। और मंडल आयुक्त से आदेश आए हुए हैं और इमली डंका से लेके गायघाट तक चलेगा। अभी फिलहाल तो बल नहीं आया है, तो वार्निंग टाइप का कुछ झोपड़े तोड़े हैं और कल भी अभियान जारी रहेगी और लगातार 15 अगस्त तक जारी रहेगी। और अब बक्सर के अथार पंचायत की कहानी हम आपको दिखाते हैं, जहां मुखिया रेखा देवी को पीएम का बुलावा आने पर पूरे गांव में खुशी की लहर है। खासकर गांव की महिलाएं काफी उत्साहित हैं। बक्सर के अथार पंचायत की महिलाएं खुशी से फूले नहीं समा रही हैं, क्योंकि उनकी मुखिया रेखा देवी को प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले पर आने के लिए आमंत्रण दिया है। गांव की महिलाएं उन्हें बधाई देते थक नहीं रही। महिलाओं का कहना है कि उनकी मुखिया परिवार के सदस्य की तरह उनकी जरूरतों का ख्याल रखती हैं। तो कौन दिक्कत होला तो जाई ना जाई, हाँ। हमने के समय के अनुसार ही मुखिया जी बानी, लेकिन हमने पर गिर जानी, हमने पर ई ना कि हम घमंड से बानी के मुखिया जी हनी तरह रखे ना, हम हाथ धली ना, हम देखी हम बूढ़ पुरानी बानी, हम गोल लगते हैं, हम बाई धो लेनी, हमारे के गोल लगे ना, यहाँ कहीं घमंड देखे के मुखिया जी बानी तो हम हंसे चली ना। हाँ विकास, हाँ तो मैं कहले बड़ी हमारे गाँव में गली गली बन गई बा, विकास हो गल बा, कचरा में रह जा तो कुछ हो गली में खड़ा चाहे सब चीज नली गली खुश बन जा, ये सब बनौले बनी यहाँ के अपना खुश बहुत कचरा में जा, अपना कचरा में जा निकल जाए, वो कचरा से हमको ऊपर बन जाए, अब रोड पर चलते जा हमें चिकन में नली गली सोता सब बना दें जा, सब कॉलोनी पास कर ले बनी, सब हमने के सब व्यवस्था दे ले बनी यहाँ के। रेखा देवी ने पंचायत में स्कूल की बाउंड्री बनवाने से लेकर शौचालय बनवाने का काम किया है। गांव के पास सूखी नदी में फिर से पानी लाने के साथ ही रेखा देवी ने मनरेगा के तहत गांव वालों को काम दिया, जैविक खाद बनाने की ट्रेनिंग दी, पंचायत भवन बनवाया। गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश में रेखा देवी आज भी जुटी हुई हैं। रेखा देवी अपने गांव में लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। मेरा लक्ष्य है कि मैं एक वैसा एक लघु उद्योग का वो करूं, उसके लिए भी मैं प्रयास कर रही हूं कि छोटा मोटा कुछ लघु उद्योग जैसे पापड़ ये पत्तल बनाने का और बुक कॉपी का, इसके में मैं शुरू कर रही हूं ताकि महिलाएं कुछ आमदनी कर सके, क्योंकि महिलाएं अपने घर की बुनियाद होती हैं, क्योंकि इन्हें कोई घर चलाना होता है, पुरुष तो चले जाते हैं लेकिन इन्हीं को घर चलाना होता है और कुछ पैसे में ही बच्चों का भी देखभाल करो, दवाई का भी करो, तो इन्हीं के ऊपर आ जाता है। तो मैं इन लोगों के लिए चाह रही हूं कि एक छोटा छोटा उद्योग जो रहे। अब अपने काम के लिए पहचान पाकर रेखा मुखिया काफी खुश हैं। 15 अगस्त को दिल्ली बुलावे के लिए रेखा मुखिया ने पीएम मोदी का आभार जताया है। रेखा मुखिया पर आज सिर्फ अथार पंचायत के लोग ही नहीं बल्कि पूरा बिहार गर्व करता है। बक्सर से न्यूज रीन संवाददाता पुष्पराज की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार